इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुरुआत करते हैं सुबह समाचार का, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तहसीलदार और छात्र नेता पर परस्पर मामले हुए दर्ज, तहसीलदार पर कानूनी कार्रवाई की मांग। आरोपियों को बचा रहा पूर्ति विभाग, तेल माफिया सत्ता पक्ष का रौब दिखाकर मामले को रफा दफा करने का बना रहा दबाव। और झालावाड़ में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में हुए शामिल। ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान, चलती बस का स्टेयरिंग हुआ जाम, बूश भी टूटा। और अब खबरें विस्तार से। बदायूं जिले के सहसवान तहसील क्षेत्र के गांव नवाबगंज बहकनी में बीते दो दिन पहले कुछ ग्रामीणों ने उचित दर विक्रेता के यहां से रात करीब 12 बजे बाइक से कैरोसिन तेल लेकर जा रहे दो लोगों को तेल और बाइक समेत दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। लेकिन आरोपियों ने पुलिस से भी साठ गांठ कर ली। पकड़े गए आरोपियों को थाना पुलिस को सौंपने की बजाय वहीं छोड़कर चले गए। इसी बीच आरोपी बाइक और कैरोसिन तेल छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि तेल माफिया सत्ता पक्ष का रौब दिखाकर मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रहे थे, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्ति निरीक्षक और ग्रामीणों के बीच साठ गांठ हो गई है और अब पूर्ति निरीक्षक भी कार्रवाई ना कर मामले को दबाते नजर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लिया है और वहीं खाक पूर्ति विभाग की टीम ने कैरोसिन तेल का सैंपल लिया है। बरामद कैरोसिन लगभग 30 लीटर बताया जा रहा है। पूर्ति निरीक्षक प्रदीप यादव ने बताया कि कैरोसिन तेल का सैंपल लिया गया है और स्टॉक चेक किया जा रहा है, जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे गांव के राशन डीलर को जो गांव में बेचना ना करके रखे गरीब लोगों को बाध्यग्रस्त नहीं करता, ब्लैक में बेचते हैं, ब्लैक्स में जाता तो मुताबिक। अब हम सब लोग बेबस हो जाते हैं, रात्रि के समय में जाता है तो मुताबिक कैन से बाइक पर रख करके कैन पर ले जाते हैं मिट्टी के तेल ले जाने वाले। अब मजबूरन थक हार करके मानो लोगों ने पकड़ लो और हम उनमें सबसे आगे खड़े थे। कौन कौन लोग ले जा रहे थे? कोठा निवासी थाना उहती बंटी गुप्ता सौरभ जमन गुप्ता और दूसरा वो सोनू गुप्ता बाप को नाम पता नहीं है हमें, और निवासी ग्राम करियाबई थाना उगैती के है, जिन्हों बीच गांव में पकड़ा था, तराई पे पकड़ा था। हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर के ये जा रहे, पहले तो ये डाला है दो बार दीवारा पे, फिर हमने एक लीटर तेल कैन को पकड़ा, बांध करीब 40 लीटर तेल के करीब था। फिर हमने तुरंत ही डाल 100 नंबर को भी जबरदस्ती करना, कोटेदार परिवार के भी लोग आ गए तो बता। सप्लाई वाले जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि वो सप्लाई वाले जो कह रहे हैं, जो बयान लोगों ने दे तो गांव वालों को बयान ना लिखे, तिलवार बयान ना लिखे, वो लिखे बाकी पक्ष के लिखे। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के आउवा गांव में मुख्य बस स्टैंड से पहले मेला चौक के पास पाली से चलकर सौजत के लिए जा रही एक निजी बस आउवा स्टैंड पर पहुंचने से पहले ही बस के स्टेयरिंग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ड्राइवर ने जब चेक किया तो पता चला कि नीचे से बूश टूट गया है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बस को लहराता देख यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी बिना डरे ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से नीचे उतारा। सड़कों की स्थिति खराब होने से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, इसके बावजूद अभी तक सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। सड़कों के बीच में बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात में पुलिस की लापरवाही के चलते अब लुटेरों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अब जनता का पुलिस से भरोसा उठ चुका है। ऐसा ही मामला जनपद के गजनेर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बीती रात एक युवक के साथ आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर फरार हो गए।
सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। युवक की हालत गंभीर देख परिजनों ने युवक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि पुलिस लूट की घटना को मारपीट में तब्दील कर दफा दफा करना चाहती है, और अभी तक पुलिस की तरफ से पीड़ित युवक का मेडिकल नहीं करवाया गया। अस्पताल के डॉक्टर संजय त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि युवक रात को करीब 12 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जो बेहोशी की हालत में आया था। फिलहाल युवक को काफी चोटें आई है और आईसीयू में भर्ती किया गया है। बीकानेर की नोखा में तहसीलदार और छात्र नेता पर परस्पर मामले दर्ज हुए हैं। नोखा तहसीलदार के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। गुरुवार को नोखा के छात्र नेता मगनाराम और तहसीलदार के बीच तहसील परिसर में झगड़ा हुआ था, जिसमें तहसीलदार ने नोखा थाने में मारपीट और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया था। छात्र नेता मगनाराम ने SC/ST एक्ट समेत मारपीट का मामला शुक्रवार को नोखा थाने में दर्ज करवाया है। वहीं मगनाराम के समर्थक गिरफ्तार मगनाराम को रिहा करने और तहसीलदार पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। रोडवेज 27 जुलाई के समझौते को लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को छठे दिन भी बसों के चक्के जाम रखे। कर्मचारियों का बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उधर सरकार अपना मुंह फेर रखी है। रोडवेज की हड़ताल जारी रखने से यात्री बसों का इंतजार करते रहे, जिनमें सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों को हो रही है। रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से निजी बस और जीप संचालकों की चांदी हो रही है। शनिवार को भी यात्रियों का आवागमन के लिए कोई साधन नहीं मिला। घंटों इंतजार के बाद मिले साधन में भी दोगुने दाम वसूले गए, जिससे यात्रियों को अपनी जीप ढीली करनी पड़ी। कर्मचारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधाओं और अधिकारियों की लड़ाई को लेकर ही चक्का जाम हड़ताल की जा रही है। जुलाई 2018 तक के बकाया अनुदान की राशि 101 करोड़ 19 लाख और अगस्त 2018 के अनुदान की बकाया राशि 45 करोड़ नियमित रूप से रोडवेज को दी जाए। इसके साथ रोडवेज की बसों को बदलने के लिए आर्थिक सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए और सभी वर्गों के रिक्त पदों विशेष बस संचालन कार्यों की स्वीकृति दी जाए। रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके जसवंत सिंह के बेटे पूर्व सांसद और भाजपा के विधायक मानवेंद्र सिंह का शनिवार को पचपदरा में स्वाभिमान सभा का आयोजन हुआ। रिफाइनरी क्षेत्र पचपदरा राजनीति के अखाड़ों का मैदान बनता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां यहां पर दम दिखाते हुए नजर आ रही हैं। स्वाभिमान रैली को लेकर पूरे राजस्थान में जोर शोर से तैयारियां की गई थी। परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में समर्थक स्वाभिमान रैली में पहुंचे। प्रदेश भर से वर्तमान सरकार से असंतुष्ट जनप्रतिनिधि स्वाभिमान मंच पर एक साथ नजर आए, जहां सभी का पारंपरिक ढंग से भव्य स्वागत किया गया। स्वाभिमान रैली के मंच से जनप्रतिनिधियों के अनुसार राजपूत और रावणा राजपूत समाज और जसवंत सिंह मानवेंद्र सिंह के समर्थकों में कई बातों को लिए वसुंधरा के खिलाफ जोरदार आक्रोश है। 5 वर्ष तक शिव विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा, आनंदपाल एनकाउंटर सहित कई मुद्दे वसुंधरा को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मानवेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के समक्ष कमल का फूल हमारी भूल वाली बात कही और बीजेपी को त्याग कर कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से कांग्रेस का समर्थन की तरफ इशारा किया। वहीं उनकी धर्मपत्नी चित्रा सिंह भी चुनावों में सक्रिय नजर आ रही है। स्वाभिमान मंच से अपने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि मानवेंद्र सिंह स्वाभिमानी जनता के साथ है और स्वाभिमान की ही राजनीति करेंगे। शनिवार को स्वाभिमान सभा के डर से राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में रामदेव जयंती और मोहर्रम की आड़ में धारा 144 28 सितंबर तक बढ़ा दी है। जनपद कानपुर देहात में हॉस्पिटलों की मनमानी चरम सीमा पर है। आए दिन बिना डिग्री वाले लोगों से मरीजों का इलाज करवाकर मरीजों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसा ही मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर के पुष्पे हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां प्रसव के लिए आई महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई। वहीं महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मौके पर क्षेत्राधिकारी समेत तहसीलदार ने पहुंचकर मामला शांत करवाया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। गांव मुन्ना का पूर्वा की रहने वाली 27 वर्षीय महिला शिवकंती को उसके परिजन प्रसव के लिए पुष्पे हॉस्पिटल में ले आए थे, जहां महिला की ऑपरेशन के दौरान हालत खराब हुई,
जिसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महिला को कानपुर नगर जीटीवी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही महिला की रास्ते में ही मौत हो गई और कानपुर नगर के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर मरीज के परिजनों की लापरवाही बता रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते नजर आए और बताया कि कानपुर नगर से आई डॉक्टरों की टीम के द्वारा महिला का इलाज करवाया गया और महिला का ऑपरेशन के बाद महिला ठीक थी, लेकिन अचानक हालत खराब होने की वजह से इसे कानपुर रेफर कर दिया गया था, जहां महिला की मौत हो गई, जिसके लिए जिम्मेदार कानपुर नगर की डॉक्टर हैं। ये कानपुर ले गए थे, उस समय पेशेंट मेरे पास ऑपरेशन हुआ था करीब 5 बजे कल, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की पूरी टीम कानपुर से आई थी, उन्होंने बाखूबी उसको ठीक किया, क्योंकि इसका ऑलरेडी मेरे यहाँ 5-7 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, पहले भी हुआ था, तो इतना विश्वास था कि यहाँ चले। आज हम कल खुद ही परेशान थे, अपना घरेलू मसले थे, तो इनके अनुग्रह के वजह भी, निवेदन करने के वजह मैं आ गया यहाँ और इसको डॉक्टरों को बुला करके ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन लमसम ठीक रहा, लेकिन वो 3-4 घंटे के बाद इसकी हालत फिर से बिगड़ गई पेशेंट की। तो इसको चूँकि डॉक्टर जो कानपुर से आए हुए थे, वो उन्होंने कहा मेरे मैं वहीं उपलब्ध रहता हूँ, वहाँ भेज देना यदि दोबारा डिटेरियट हो बोल, तो पेशेंट भेज दिया। वो वहाँ 2-3 घंटे रहा भी, 3-4 घंटे एक्सपायर वहाँ हुआ, यहाँ बॉडी लग गई, बिल्कुल से छोटी घटना बड़ी बना दी है, कुछ नहीं केवल अब बॉडी रखे। झालावाड़ जिले के बकानी में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में कस्बे में मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। कस्बे में 4 ताजिए निकाले गए, बड़ी संख्या में लोगों ने इत्र, नारियल, चिरौंजी और अगरबत्ती पेश कर मन्नतें मांगी। कस्बे में डीजे और ढोल ताशों की मातमी धुनों के साथ जुलूस में शामिल ताजिए कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरे। जुलूस में आगे युवाओं ने अखाड़े में कई करतब दिखाए। जुलूस में शहर काजी, अल्लाह बेली अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर रईस पठान, नायब सदर अल्ताफ, नील नगर सहित मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में शामिल हुए और जुलूस निकाले। ताजे को काली सिंध नदी पर ले जाकर ठंडा किया गया। स्थानीय शिवराज स्टेडियम में 63वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन खेल कूद प्रतियोगिता छात्र वर्ग 17 और 19 वर्ष का शुभारंभ उप जिला प्रमुख श्रीमती गिरधर कंवर प्रधान, दुखाराम राजपुरोहित, भाजपा नगर अध्यक्ष भरत सिंह भोजाने की उपस्थिति में हुआ। 5 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश के जूनियर वर्ग की 34 टीम और सीनियर वर्ग की 32 टीम भाग ले रही हैं। कुल 330 खिलाड़ी इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर को होगा। मुख्य अतिथि गिरधर कंवर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, साथ ही हमें खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस दौरान खिलाड़ियों के साथ शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के नीम का थाना पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राजे का नेहरू पार्क में आयोजित सभा में सांसद सुमेधा नंद, सरस्वती सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, जिला प्रमुख अपर्णा रोलन, पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर, पाटन प्रधान संतोष गुर्जर, नीम का थाना गौरव यात्रा प्रभारी भूम सिंह भाटी सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम राजे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सभा में राजे ने सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया तो कांग्रेस को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। राजे ने शेखावटी, अचल, केसी कर, चूरू व झुंझुनू जिले की जनता की पानी की समस्या के निजात के लिए सरकार की ओर से किए गए यमुना नहर की पानी लाने की कवायद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए हरियाणा से पानी लाने के लिए बजट तैयार किया गया है और इस काम की इसी माह में DPR बनकर तैयार हो जाएगा। एक पाइपलाइन से यमुना नहर का पानी हरियाणा से झुंझुनू, सीकर, चूरू में पहुंचाया जाएगा, जिससे इस अचल की पीने व सिंचाई की पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यमुना नहर के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जिले के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र और सांभर उपखंड मुख्यालय पर स्थित सांभर नगर पालिका क्षेत्र को सरकार द्वारा पूर्ण ODF घोषित करने के बाद भी धरातल पर कुछ अलग ही नजारा सामने आया है। आमजन तो दूर की बात है, यहां तक कि BPL और अंत्योदय परिवार के घरों में भी आज तक शौचालय नहीं बना हुआ। आमजन ने आरोप लगाया कि नगर पालिका मंडल कार्यालय और स्थानीय पार्षदों को अवगत कराने के बाद भी शौचालय तो दूर, अनुसूचित जाति के वार्डों में समय पर सफाई तक नहीं हो पाती है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों रुपयों की लागत से 2-3 जगह सुरभ शौचालयों का निर्माण करवाया और जाकर वाह वाह लूटने में लग गए और शौचालयों की ना तो सफाई व्यवस्था है और ना ही पानी की व्यवस्था है और गंदगी का अंबार देखने को मिलता है।
लोटरी मात्रम ही है कौन बने साहब के साल भरो की फार्म आरम दिया है पास भी हो गया था पास यहाँ पास पैर नाना ग्राम बोला का भाई पहली आपका पैसा लगाओ और पास पैर लो पैसा अच्छा ये कारण निकला फिर आखिरी में साल भरो की अच्छा जी पास पैर में बनाया रिया बड़ी उपखंड क्षेत्र के आसपास कई जगह हुई बारिश खेतों में खड़ी अधिकांश फसलों के लिए नुकसान होने और कुछ फसलों के लिए आंशिक फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। इस समय खेतों में मूंग की फसल की कटाई की जा रही है। अचानक आई बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। सरकार के द्वारा इस बार निर्धारित मूल्य पर सरकार की ओर से मूंग खरीदने की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद रिया उपखंड क्षेत्र में अधिकांश जगह किसानों ने मूंग की फसल बुवाई में रुचि दिखाई। बाकी अन्य फसलें आंशिक रूप से ही बुवाई की गई, लेकिन कटाई के समय अचानक बारिश का दौर शुरू होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश से मूंग की फसल नष्ट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और अन्य फसलों में भी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। युवा किसान मुकेश कुमार दासावास का कहना है कि यही बरसात यदि 15 से 20 दिन पहले आती तो किसानों को फायदा होता, लेकिन फसल पकने के बाद बारिश आने से फसल खराब होने की संभावना बनी हुई है। धौलपुर में शनिवार को सुबह तड़के ही चंबल रेता से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पुलिस की दबिश के कारण चंबल बजरी से भरी ट्रॉली को सड़क पर ही खाली कर भागने में सफल हुई। मामला सदर थाना क्षेत्र के सरानी खेड़ा का है, जहां रेत माफिया बेखौफ होकर सैकड़ों ट्रैक्टर सरानी खेड़ा से बाईपास होते हुए जाखी की तरफ ले जा रहे थे। तब पुलिस की दबिश के कारण चंबल बजरी को बीच सड़क पर ही डाल गए। सैकड़ों ट्रॉली रेत को लगभग 1 किलोमीटर तक खला कर भाग गए, जिससे सड़क जाम हो गई। रेत माफिया भागने में सफल हुए। सड़क पर जाम लगने से यातायात बाधित हो गया। सड़क से बजरी को हटाने के लिए पुलिस ने कई जेसीबी को सहायता के लिए बुलवाया और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा बजरी को बीच सड़क से हटवाया गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़। नमस्कार।